बहादुर खान वोमेन यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन पोर्टल आज के इस ट्यूटोरियल में हम दर्जेल तमाम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स में टेस्ट शेड्यूल मेरिट फॉर्मूला मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर्स सिलेबस वेटेज रिकमेंडेड बुक्स मैथ्स डिटेल्स इंग्लिश डिटेल्स जनरल साइंस डिटेल्स पैडागोजी डिटेल्स पेपर पैटर्न एंड एग्जामिनेशन एंड हाउ टू डाउनलोड रिकमेंडेड बुक्स ये तमाम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आज की वीडियो में डिस्कस होंगी बहुत डिटेल में तो वी हैव टू फॉलो अवर ट्यूटोरियल वन बाय वन जैसे कि आपको पता है सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आई जिसके तहत तमाम असामियों के तमाम ग्रेड्स बुनियादी तलीमी काबिलियत पेशा वारा तालीबली सब का डिटेल में इश्तिहार दिया गया ग्रेड नौता फिफ्टीन की ये असामियाँ हैं जिनका रिक्रूटमेंट टेस्ट 2019 की रोशनी में आ, पॉलिसी 2019 की रोशनी में महकमा तालीम की तरफ से लिया जाएगा आपको पता है कि इसमें सबसे बड़ी कैटेगरी ई जो कि ग्रेड 15 की है बुनियादी तालीमी काबिलियत इसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है इसी तरह जूनियर इंग्लिश टीचर जिसके लिए तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है जिसके लिए प्रोफेशनल डिग्रीज भी जिनके पास हैं तो उनको प्रोफेशनल मार्क्स भी मिलने हैं Uh, इसी तरह जूनियर इंग्लिश टीचर जे टी टेक के लिए भी ग्रेज, ग्रेजुएशन जूनियर ड्राइंग मास्टर्स के लिए भी ग्रेजुएशन चूंकि ये तमाम 14 ग्रेड्स की हैं इसी तरह जूनियर अरबिक टीचर जिसके लिए ग्रेजुएशन वो भी फोर्टीन ग्रेड फिज़िकल एजुकेशन टीचर पी ई टी बी फोटीन ये भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है इनके लिए जबकि जूनियर वर्निकलर टीचर जे वी टी के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट इंटरमीडिएट की है और कुरान फिर से इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट है आपको पता है कि आठ डिफरेंट कैटेगरीज में ये पोस्ट अनाउंस हुई 35 डिस्ट्रिक्ट्स में अनाउंस हुई इनमें ई एस टी जेई टी जेई टी टेक जेडीएम जेई टी पीई टी जेवीटी एम क्यू मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट पोस्ट हैं तो उनका कंपटीशन उनके यूसीज तहसील और फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल आठ हजार पांच सौ इक्यावन जनरल वैकेंसी स्टेटमेंट है जबकि इसी तरह हमारे पास इन्हीं तमाम कैटेगरीज में इन्हीं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स के लिए हमारे पास डिसेबिलिटी एंड माइनॉरिटी कोटा के भी 425 425 सीट्स मुख्त हैं अब आते हैं हम अपने पोर्टल पर हमारे पोर्टल पर प्रोजेक्ट डिटेल्स में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो प्रोजेक्ट डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको सिलेबस आ, का आइकन नजर आएगा यहाँ पर आप सिलेबस पर आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको सिलेबस मिल जाएगा लेकिन इससे पहले हम टेस्ट शेड्यूल डिस्कस करेंगे आ, टेस्ट शेड्यूल चूंकि आज अनाउंस हो चुका है तो हमारा टेस्ट शेड्यूल कुछ इस तरह है कि टेस्ट स्टार्ट होंगी 20 से आ, 20 मई से जिसमें सबसे पहले डिवीजन वाइज ये टेस्ट होगा इस टेस्ट में नंबर वन डिवीज़न 20 मई से स्टार्ट हो रहा है जो कि रक्षान डिवीज़न है तो रक्षान डिवीज़न में खारान नोशकी, वाशुक चागी इन तमाम चार डिस्ट्रिक्ट्स में एट अ टाइम टेस्ट होगा इन सब के पेपर्स एक जैसे होंगे तमाम कैंडिडेट्स को जितने भी आठ कैटेगरीज़ में इन कैंडिडेट्स को टेस्ट किया जाएगा वो बीसता इक्कीस मई टेस्ट किया जाएगा उसके बाद सेकेंड कैटेगरी पे जॉब डिविजन है जिसमें तीन डिस्ट्रिक्ट जॉब किलासेफुला शिरानी इन तीनों का फिर तेईस था चौबीस मई दो हजार तेईस सबका एक ही जगह पे टेस्ट होगा सेम पेपर होगा तमाम कैटेगरीज में लोरालाई दुक्की बारखान मुसाखेल फिर लोरालाई डिवीजन नंबर थ्री जो कि छब्बीस था 27 मई शेड्यूल किया गया है उसके बाद कलात डिवीजन को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कलात वन और कलात टू कलाथ वन डिवीजन में कलात सोराब मस्तूंग तीस था इकतीस मई कलात टू खुजदार लसबेला अवारान दो था तीन जून ये शेड्यूल दिया गया है उसके बाद फिर हमारे पास है आ, मकरान डिवीजन जिसमें पंजगूर तुरबत ग्वादर इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स को टेस्ट किया जाएगा फाइव था सेवन जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री उसके बाद क्वेटा डिवीजन जिसमें क्वेटा पिशीन किला अब्दुल्ला चमन दस था ग्यारह जून इनका शेड्यूल है उसके बाद फिर हमारे पास है नसीराबाद डिवीजन जिसको फिर दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है नसीराबाद कच्ची जाफराबाद इसको नसीराबाद डिवीजन वन का नाम देकर तेरह था चौदह जून दो हजार तेईस को इनका टेस्ट लिया जाएगा उसके बाद उस मोहम्मद जलमक्सी सोबतपुर नसीराबाद डिवीजन टू यानी पार्ट टू आ, का टेस्ट लिया जाएगा पंद्रह था सतारह जून दो हजार तेईस फाइनली सिब्बी डिवीजन जिसमें जियारत हरनाई सिब्बी कोलू डेराबुटी जिनका फाइनल एग्जाम उन्नीस जून लिया जाएगा इंपॉर्टेंट चीजें नोट करने की इसमें यह है कि उम्मीदवारों को दर्जेल हिदायत को मदल, नजर रखने की सख्ती से तय की जाती है नंबर वन हर उम्मीदवार अपना रोल नंबर स्लिप असल सी एन आई सी इनके बगैर किसी को इम्तहानी सेंटर में अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी इसके साथ-साथ आपको पॉइंट लाना लाजमी होगा और अपने साथ इम्तिहानी गता लाजमी लाना होगा रोल नंबर स्लिप असल शनाखती कार्ड के बगैर किसी भी उम्मीदवार को टेस्ट में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी नंबर टू किसी भी उम्मीदवार को इम्ति सेंटर में मोबाइल कैलकुलेटर या कोई और इलेक्ट्रॉनिक गजेट या आला लाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी रोल नंबर स्लिप पर फ़रा करदा रिपोर्टिंग टाइम और टेस्ट टाइम की पाबंदी हर उम्मीदवार पर लाजिम होगी उसके लेट होने की वजह से उम्मीदवार के लेट होने की वजह से उसको टेस्ट में अलाउ नहीं किया जाएगा और लेट आने वाले उम्मीदवार को टेस्ट में बिल्कुल बैठने की इजाज़त ना होगी उसके बाद किसी भी उम्मीदवार से अगर दौरान टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या कोई आला या मोबाइल या कोई और शे जो इम्तहान में करामद हो सकती हो पाई गई तो उसका पर्चा कैंसिल कर दिया जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट नंबर सिक्स पे आ जाए किसी भी उम्मीदवार को किसी दूसरे जिले में टेस्ट देने की कोई रियायत ना दी जाएगी यानी आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है आप जिस डिस्ट्रिक्ट के लोकल हैं आप सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट दे सकते हैं आप किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर आप ट्रेवल की वजह से या किसी स्टडी की वजह से या किसी जॉब की वजह से वहां पे हैं तो आप उस डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट नहीं दे सकते आपको अपने मुतल डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट देना होगा इम्पोर्टेंट नोट यह है कि ग्रेड चौदह जेई टी एस टी जेडीएम पी ए टी तमाम पेपर्स इंग्लिश मीडियम में जबकि जेवीटी उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा और इसी तरह मालिमुल कुरान और जूनियर अरबिक टीचर के पेपर्स जो हैं वो उर्दू और अरबी मीडियम में होंगे तो ये आज की अनाउंसमेंट थी टेस्ट शेड्यूल की अब हम डिस्कस करेंगे कि हम सिलेबस हमारा क्या होगा और इसको uh, 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 कैसे कवर किया जाएगा इसमें तमाम क्या क्या चीजें होंगी yes, uh, दिस, दिस, दिस। ये सिलेबस अप्रूव्ड बाय द प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर असल में नेशनल करिकुलम 2006 अंडर द नेशनल टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग मटेरियल्स पॉलिसी 2007 के तहत ये अप्रूवल uh, दी गई है और ये अप्रूवल डायरेक्टर डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड एक्सटेंशन सेंटर बलुचस्तान की जानब से दी गई है तो हम देखेंगे कि इस अप्रूव सिलेबस में वो कौन कौन सी बुक्स हैं और इस सिलेबस में क्या क्या, क्या शामिल है सबसे पहले हम मेरिट फार्मूला को डिस्कस करते हैं मेरिट फार्मूला जैसे कि आपको पता है कि थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर मुश्तमिल है नंबर वन टेस्ट वेटेज जिसमें हमने फार्मूला को ए से रिप्रेजेंट किया है टेस्ट वेटेज के टोटल uh, 70 परसेंटेज uh, है यानी अगर आपको फाइनल सेलेक्ट uh, किया जाएगा तो आपका टेस्ट का जो स्कोर है आपका uh, उसका 70% वेटेज है टेस्ट का उसमें से आप जितना भी स्कोर करेंगे वो फाइनल आपके ए प्लस बी प्लस सी फार्मूला में इंक्लूड किया जाएगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप नीचे दे, देख सकते हैं कि अगर आ, जो ग्रेड फोर्टीन के हैं ग्रेड फोर्टीन के जितने भी कैटेगरीज हैं जे ई टी ई एस टी पी ई टी जे डी एम जे ई टी टेक जूनियर अरेबिक टीचर्स इन तमाम के लिए अगर आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन बेचलर्स में फर्स्ट डिव होगा तो आपको ट्वेंटी नंबर दिए जाएंगे अगर आपके बेचलर्स में सेकेंड डिव इन एकेडमिक्स है तो आपको 10 नंबर अपने मुतल एजुकेशन के दिए जाएंगे एक और इंपॉर्टेंट बात ग्रेड 14 के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन का जो है, ग्रेड 14 के लिए सिर्फ उसके रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है यानी ग्रेड 14 के लिए सिर्फ बैचलर की बुनियाद पर ही आपको अकेडमिक मार्क्स मिलेंगे कुछ कैंडिडेट्स ये क्लेम कर सकेंगे कि मेरा क्वालिफिकेशन एम या पी है या मल्टीपल क्वालिफिकेशन हैं तो उनको आ, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे उनके सिर्फ बैचलर्स पर उनके अकेडमिक मार्क्स मिलेंगे अगर वो फर्स्ट डिव है तो वो ट्वेंटी मार्क्स ले सकेंगे अगर सेकेंड डिव है तो उनको टेन मार्क्स मिलेंगे इसी तरह अगर कोई थर्ड डिव में है थर्ड डिवीजन में है अकेडमिक क्वालिफिकेशन उसकी तो उनको फिर अकेडमिक मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे लेकिन उनको एग्जाम में एलिजिबिलिटी उनको तब मिल सकती है के उनके पास अगर हायर क्वालिफिकेशन होगा मिसाल के तौर पर बैचलर्स बीए, बीएससी या बीएस ऑनर्स अगर इनका किसी का थर्ड डिवीजन में है तो उनको एकेडमिक मार्क्स तो नहीं मिलेंगे अगर उनके हायर क्वालिफिकेशन है मास्टर्स एम फिल या पीएचडी, उनको उनकी बुनियाद पर सिर्फ एलिजिबिलिटी मिल सकती है और उनको फाइनली कम्प्लीट इसी टेस्ट वेटेज यानी सेवेंटी परसेंट में से किसी स्कोर uh, लेकर उसको कंपटीशन में हिस्सा मिल सकता है एकेडमिक 20 उसके जीरो लग जाएंगे इसी तरह जो ग्रेड नाइन के पोस्ट हैं जेवीटी और मौलान इनके लिए इंटरमीडिएट में अगर आपका फर्स्ट डिव है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे और इंटरमीडिएट में अगर आपका सेकंड डिवीजन है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे लेकिन अगर आपका इंटरमीडिएट में थर्ड डिवीजन है आप एलिजिबल नहीं है या फिर अगर आपके पास बीए बीएससी है तो हायर क्वालिफिकेशन आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी दे सकता है लेकिन आपको फिर भी 20 मार्क्स नहीं मिलेंगे इन केस यू आर थर्ड डिविजनल इसी तरह प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का भी सेम फॉर्मूला है अगर किसी के पास जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा इंटरमीडिएट फॉर ग्रेड 9 और इसी तरह बैचलर के लिए जो uh, 14 ग्रेड के लिए जो बैचलर क्वालिफिकेशन है उनके लिए अगर इनके अलावा भी इनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है बीए बीएड है उनके पास ए है उनके पास पीटीसी है उनके पास सीटी है 2012 से पहले अगर उन्होंने सीटी की भी है तो इन प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स को या अरबिक में उनके पास खासा है या और भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन हैं तो उन प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पर आपको अगर आपके प्रोफेशनल डिग्री में यानी बी एडी ई वगैरह में अगर आपका फर्स्ट डिव है तो आपको दस नंबर मिलेंगे अगर फर्स्ट डिव नहीं है डिव है तो आपको पांच नंबर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के मिलेंगे इस तरह आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के टोटल नंबर अगर किसी के पास दो या दो से ज्यादा प्रोफेशनल डिग्रीज होंगी उनको सिर्फ उसके हाईएस्ट डिग्री की बुनियाद पर नंबर मिलेंगे यानी अगर बीएड में उसका फर्स्ट डिव है और ए में उसके सेकंड डिव है तो आपको बीएड का यानी चूंकि वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है या हाईएस्ट ग्रेड्स में क्वालिफाइड है उसके आपको मार्क्स मिलेंगे तो 10 प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के एकेडमिक क्वालिफिकेशन के 20 मार्क्स और टेस्ट वेटेज के 70 मार्क्स आपका कंबाइंड टोटल कंपटीशन होगा ए प्लस बी प्लस सी फॉर्मूला के तहत जो कि 100 मार्क्स का टोटल स्कोर होगा इस पूरे टेस्ट में कोई इंटरव्यू शामिल नहीं है अलबत्त आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए डीआरसी में आपको बुलाया जा सकता है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का फेज जरूर होगा अब बात करते हैं मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर का मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर कुछ यू होगा कि आपका एग्जाम एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा इसमें ई एस टी जेईटी जेई टी टेक पीई टी एंड जे डी एम जैसे आपको, आपको, आपको सामने सामने आपको दिया गया है विल बी इन इंग्लिश ओनली ये पांच पेपर्स सिर्फ इंग्लिश में होंगे इनके जितने भी कैटेगरीज हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वो इंग्लिश ही में होंगी उसके अलावा जूनियर वर्निकुलर टीचर जे टी का जो पेपर होगा वो उर्दू और इंग्लिश दोनों वर्जनस में होगा जबकि जूनियर अरबिक टीचर जे टी और एम ये उर्दू एंड अरेबिक दोनों में होगा अब आते हैं हम सबसे पहले एलिमेंट्री स्कूल टीचर EST BPS 15 को डिस्कस करेंगे सिलेबस वेटेज कुछ यूं है कि फाइव कैटेगरीज होंगी सब्जेक्ट्स होंगी जिनमें कैंडिडेट्स को टेस्ट किया जाएगा सबसे पहले इंग्लिश है जिसमें ग्रेड सिक्स से ग्रेड टेंथ तक जितने भी उनके कोर्स बुक्स हैं जो कि बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2006 है उस करिकुलम की बुनियाद पर जितने भी बुक्स हैं उन बुक्स में से इंग्लिश आ, का पेपर बनेगा आ, मैथ इसी तरह ग्रेड फोर टू एट ई के लिए है जिसमें चूंकि आपको पता होना चाहिए कि ग्रेड कच्ची से लेके ग्रेड फिफ्थ तक आ, सिंगल नेशनल करिकुलम है और सिक्स से ऑनवर्ड्स नेशनल करिकुलम 2006 है इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि यानी कच्ची से लेके 5 है वो सिंगल नेशनल के बुक्स होंगे उसमें और जो ग्रेड सिक्स से एट तक है वो बलुचि टेक्स्ट बुक बोर्ड के नेशनल सिंगल करिक, नेशनल करिकुलम 2006 के मुताबिक होगा इसी तरह जनरल साइंस की जब हम बात करेंगे जनरल साइंस फिर ग्रेड सिक्स टू ग्रेड टेन बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम दो हजार छः यानी बलुचि टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानब से शाइस में से जनरल साइंस का टेस्ट लिया जाएगा जनरल नॉलेज बिल्कुल इसी तरह है ग्रेड सिक्स टू ग्रेड टेन नेशनल करिकुलम 2006 यानी छि बलुचत बुक बोर्ड के बेस पर जितने भी बुक्स हैं उनमें से लिया जाएगा जनरल uh, नॉलेज जो ई के लिए है वो स्पेसिफिकली इस्लामियात सोशल स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज में लिया जाएगा इसी तरह अगर पेडागोजी की हम बात करेंगे जो फिफ्थ सब्जेक्ट है इस बीएसटीसी का पेडागोजी में इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं क्लासरूम मैनेजमेंट जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग असेसमेंट और ब्लूम टैक्सोनॉमी ये सिलेबस होगा एडी और बीएड की बुनियाद पर तो पेडागोजी इस स्पेसिफिक जो सिलेबस है उसमें से बनाया जाएगा तो इंपॉर्टेंट बात नोट करने के लिए है कि इंग्लिश का टोटल वेटेज होगा 25 परसेंट मैथमेटिक्स का टोटल वेटेज होगा ट्वेंटी परसेंट जनरल वेटेज है 25 परसेंट फॉर ई एस ये परसेंटेज हर कैटेगरी के लिए डिफरेंट है जनरल नॉलेज फिफ्टीन होगा और पेडागोजी फिफ्टीन होगा आपको मिल मिला के हंड्रेड परसेंट में से इन फाइव एरियाज में से ग्रेड सिक्स टू ग्रेड टेन बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम और बिलो सिक्स यानी कच्ची से लेके पाँच ग्रेड uh, uh, तक जो सिंगल नेशनल करिकुलम के बुक्स हैं उनमें से ग्रेड फोर और फाइव मैथमेटिक्स का इसमें से आपका टेस्ट लिया जाएगा जब अब हम uh, अगे कैटेगरीज में जाएंगे वहाँ पर ग्रेड्स uh, और क्लासेस और बुक्स चेंज होती रहेंगी तो जिन लोगों ने ई के लिए अप्लाई किया है वो इन तमाम बुक्स को अपने पास रखकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें जूनियर इंग्लिश टीचर की जब हम बात करेंगे यहां पर फिर इंग्लिश 25% है मैथमेटिक्स 20% जनरल साइंस 25% जनरल नॉलेज 15% और पेडागोजी 15% है इसमें फिर सेम सिलेबस है जिस तरह EST का था 6 टू 6 टू 8 इन इंग्लिश ग्रेड्स 4 टू 8 इन मैथमेटिक्स जनरल साइंस ग्रेड 6 टू 10 बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2006 जनरल नॉलेज ग्रेड 6 टू 10 इसी तरह इस्लामिया सोशल स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज पेडागोजी भी बिल्कुल उसी तरह क्लासरूम मैनेजमेंट जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग असेसमेंट एंड ब्लूम्स ब्लूनोमी से मिल मिलाकर आपके टोटल हंड्रेड क्वेश्चंस बनेंगी जिनमें से आपने कुछ स्कोर करना है इंपॉर्टेंट बात ये नोट करें कि कम अज कम पासिंग मार्क्स आपके फिफ्टी होंगे यानी सौ में से पचास नंबर लेने वाले पास डिक्लेयर किए जाएंगे जूनियर इंग्लिश टीचर जे टेक बिल्कुल सेम सिमिलर इनका भी सेम सिलेबस है जिस तरह EST और JAT का है अब हम देखते हैं कि वो कौन से बुक्स हैं जो इन कैटेगरीज़ के लिए रिक्वायर्ड हैं EST JAT एंड JAT टेक ग्रेड 6 से ग्रेड 10 ये इनका इंग्लिश का बुक है इंग्लिश लैंग्वेज ग्रेड 6 بلوچستان टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेटा ये आपको मार्केट में मिल जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज ग्रेड 7 ये भी بلوچستان टेक्स्ट बुक बोर्ड का तालीम निसाब के लिए बनाया गया बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश ग्रेड एट ये भी टेक्स्ट बुक बोर्ड का है। A textbook of English language grade 9, ये भी बोर्ड का बुक है इसी तरह टेक्स्ट बुक बोर्ड का बुक है तो ये तमाम बुक्स आपको मार्केट में इजिली अवेलेबल होंगी हम बाद में लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि ये बुक्स अगर मार्केट में अवेलेबल ना हुई तो ये बुक्स आपको कहाँ से मिलेंगे मैथमेटिक्स uh, के बुक्स ई एस टी जे टी और जे आई टी ग्रेड फोर टू एट हैं तो लिहाजा हमने यही फोर टू एट वाले पिक्चर्स इनके लगा लिए हैं मैथमेटिक्स का ये बुक है ग्रेड uh, फोर के लिए ग्रेड फाइव के लिए ये बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक का, बोर्ड uh, का बुक है मैथमेटिक्स के ग्रेड सिक्स के लिए बलुचि टेक्स्ट बुक बोर्ड का ये बुक है मैथमेटिक्स सेवन ये क्लास सेवन और इसी तरह मैथमेटिक्स एट ये भी इन तमाम बुक्स में से होगा तो जिन लोगों ने ये बुक्स उनको नहीं पता थे ये उनके पिक्चर्स हैं और ये मार्केट में अवेलेबल हैं अगर मार्केट से नहीं लेना चाह रहे आप घर में बैठे हुए हैं तो ये बुक्स आपके पास ऑनलाइन भी अवेलेबल किए जा सकते हैं इसके लिए हम एक गूगल ड्राइव का भी लिंक दे देंगे अपने वीडियो के नीचे वहां पर आपको तमाम बुक्स के लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप जाके डाउनलोड कर सकेंगे जनरल साइंस के बुक्स ई एस टी जे टी एंड जे टी टेक ये भी ग्रेड सिक्स टू टेन है चूंकि ई एस टी जे टी और जे टी टेक के लिए तो जनरल साइंस के ये बुक्स हैं जनरल साइंस जमात बरा या ग्रेड सिक्स के लिए जनरल साइंस फॉर क्लास सेवन बुक बोर्ड का है ये भी जनरल साइंस बलुच बुक बोर्ड बरा जमात हम या क्लास एट्थ इसी तरह जनरल साइंस फॉर क्लास एंड नाइन्ड टेंट बुक बोर्ड ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इन्हीं बुक से आपका जनरल साइंस का पेपर बनेगा इसी तरह जनरल नॉलेज के लिए जो ई एस टी एंड जेटी टेक के हैं वो ग्रेड सिक्स टू के जितने भी जनरल नॉलेज रिलेवेंट बुक्स हैं वो या इस्लामियात होंगे इस्लामियात शशम हफ्तम हशतम नहम दहम यानी सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ इनसे इस्लामियात के क्वेश्चंस होंगे जनरल नॉलेज के लिए जैसे कि हमको पता है कि हमारे पास जो जनरल नॉलेज था वो इस्लामियात सोशल स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज था तो उसके लिए रिलेवेंट बुक्स इस्लामियत के क्लास सिक्स टू क्लास टेंथ ही में से आपका जनरल नॉलेज अबाउट इस्लामियात बनेगा बिल्कुल इसी तरह आपको जियोग्राफी हिस्ट्री और पाकिस्तान स्टडीज ग्रेड सिक्स टू टेन इन्हीं क्लासेस के बुक्स में से बनेगा जो कि ऑनलाइन या मार्केट में अवेलेबल है अब हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन टीचर अभी तक हमने बात की ई एस टी जेई टी जेईटी टेक जिनका सिमिलर सिलेबस था फिजिकल एजुकेशन टीचर का सिलेबस थोड़ा सा उनसे डिफरेंट होगा यहाँ पर मैथमेटिक्स क्लास सिक्स टू क्लास एट्थ तक का मैथमेटिक्स है और यहाँ पर परसेंटेजेस भी कुछ डिफरेंट है यहाँ पर मैथमेटिक्स क्लास सिक्स टू एट है इंग्लिश भी क्लास सिक्स टू एट है और हेल्थ एंड हाइजीन एक सब्जेक्ट है जो कि अगर इन्हीं क्लास सिक्स टू एट में जहां जहां पर हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड जो भी मौजूद होगा या जनरल अपटीट्यूड में हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो इस पोर्शन में पूछे जाएंगे तो फिजिकल एजुकेशन का परसेंटेज कुछ यूं है कि इंग्लिश ट्वेंटी फाइव परसेंट मैथमेटिक्स ट्वेंटी परसेंट इन फोर क्लास सिक्स टू एट तक बुक्स में से हेल्थ एंड हाइजीन फिफ्टीन परसेंट जनरल नॉलेज ट्वेंटी परसेंट और पेडागोजी भी ट्वेंटी परसेंट होगा इसमें हेल्थ एंड हाइजीन डिफरेंट है बाकियों से और यहाँ पर uh, पेडागोजी भी थोड़ा सा डिफरेंट है ई एस टी जे और जे टी टैक्स है तो यहाँ पर आपको एनाटोमी uh, में uh, uh, पूछा जाएगा यहाँ पर रूल्स ऑफ गेम्स पूछी जाएंगी और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम पूछे जा सकेंगे इसके तमाम ए, रूल्स ऑफ और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में ट्वेंटी परसेंट के क्वेश्चन होंगे ये थोड़ा सा एनाटॉमी को समझ लें एनाटॉमी इज अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी। तो ह्यूमन एनाटॉमी में आपसे जनरल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मिसाल के तौर तो पर आपके बोन्स से रिलेवेंट पूछा जा सकता है आपके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं आपका जो जो भी एनाटोमी से रिलेवेंट क्वेश्चन हैं स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ़ द बॉडी वो आ, इसी सब्जेक्ट से लिए जाएंगे रूल्स ऑफ गेम्स होंगी आ, उसमें डिफरेंट किस्म के रूल्स हो सकते हैं क्रिकेट के रूल्स फुटबॉल के रूल्स वॉलीबॉल के रूल्स और आ, और दूसरे तीसरे जितने भी गेम्स हैं जो कि पॉपुलर गेम्स हैं उनके हवाले से पूछा जा सकता है इसी तरह स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी पूछा जा सकता है इसके अलावा फिर फोर्थ हमारे पास है आ, फिफ्थ हमारे पास है जूनियर ड्राइंग मास्टर जे जो कि बी पी ग्रेड्स के हैं इसमें जस्ट लाइक like, पी uh, ई uh, टी e. इसमें भी uh, जो बुक्स हैं वो ग्रेड्स सिक्स टू एट्थ तक नेशनल करिकुलम 2006 के तहत जो बलुचतान टेक्सट बुक बोर्ड के बुक्स हैं उन्हीं में से आपका इंग्लिश 25 परसेंट मैथमेटिक्स यहाँ पर 20 परसेंट लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ आर्ट एंड क्राफ्ट जो कि उन बाकी सब्जेक्ट से डिफरेंट है तो चूंकि ड्राॅइंग का पेपर होगा इसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछी जाएंगी Uh, फिर इसके बाद जनरल uh, नॉलेज बिल्कुल उन्हीं की तरह है इस्लामियात सोशल स्टडीज एंड पाकिस्तान स्टडीज पेडागोजी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट और पेडागोजी ये दो फिर बाकियों से डिफरेंट होंगी इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राइंग पर क्वेश्चन होंगी जियोमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग होगा डिजाइन के हवाले से क्वेश्चन होंगी टीचिंग मैथड्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट ये मोस्ट प्रोबेबली आपके इन्हीं बुक्स में से या बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ डिप्लोमा जिन लोगों के पास जे का डिप्लोमा है उनके जितने भी कोर्स कॉन्टेंट्स है तो इनके लिए बुक्स भी आपने सिर्फ ये तीन बुक्स देखनी है इंग्लिश सिक्स इंग्लिश सेवन इंग्लिश एट इसी तरह हमारे पास अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो वो सिक्स सेवन एट एट्थ का मैथमेटिक्स होगा इसी तरह जनरल uh, साइंस भी सिक्स सेवेंथ एथ तक का पूछा जाएगा जनरल uh, नॉलेज भी इस्लामियात जियोग्राफी सिक्स टू एट्थ और इसी तरह uh, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अभी तक हमने डिस्कस किया ए एस टी टी जे टी टेक जिन तीनों का सेम सिमिलर तकरीबन सिलेबस है उसके बाद हमने पी को डिस्कस किया जिसका उन तीनों से कुछ डिफरेंट है गेम्स एनाटोमिकल स्ट्रक्चर इन पेडागोजी और हेल्थ एंड हाइजीन्स पूछी जाएंगी फिफ्थ में हमने डिस्कस किया जेडीएम जिनके लिए हमने कहा कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट प्लस पेडागोजी जो है वो भी आर्ट्स एंड डिजाइन वगैरह के बारे में पूछा जाएगा अब हम नेक्स्ट uh, जो हमारे पास कैटेगरी है दैट इज जेविटी जूनियर वर्नेक्यूलर टीचर ये चूंकि ग्रेड नाइन के लिए है और uh, इसका सिलेबस वेटेज भी नंबर वन प्राइमर यानी कच्ची से ग्रेड फाइव तक के जो नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान के बुक्स हैं उनमें से और ग्रेड सिक्स जो uh, नेशनल 2006 बलुच टेक्स्ट बुक बोर्ड का किताब है उसी से आपके कंटेंट्स लिए जाएंगे और इसी तरह इसका जो परसेंटेज है इंग्लिश यहाँ पर है ट्वेंटी परसेंट मैथमेटिक्स ट्वेंटी परसेंट जनरल साइंस ट्वेंटी परसेंट जनरल नॉलेज फिफ्टीन परसेंट और पेडागोजी यहाँ पर ट्वेंटी परसेंट मैथमेटिक्स uh, उसी तरह कच्ची से लेके ग्रेड फाइव तक नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान और ग्रेड सिक्स के बुक से मैथमेटिक्स uh, भी लिया जाएगा जनरल साइंस की अगर हम बात करेंगे तो ये ग्रेड फोर टू फाइव नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान और इसी तरह ग्रेड सिक्स से बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान से टेक्स्ट बुक बोर्ड से लिया जाएगा यहाँ पर जनरल नॉलेज अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जनरल नॉलेज इस्लामियात सोशल स्टडीज और हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आ, के बुक्स में से लिया जाएगा और ये सिर्फ ग्रेड सिक्स के किताबों से ये लिया जाएगा पेडागोजी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्लासरूम मैनेजमेंट है जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग और असेसमेंट जो कि पीटीसी और ए के सिलेबस के मुताबिक इनको टेस्ट किया जाएगा तो सिलेबस में स्लाइड चेंजेस हैं पेडागोजी में और इनके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में तो जेबीटी में ये तमाम आपके पास आ, आ, सिलेबस है और जैसे कि आपको आ, स्टार्ट में हमने बताया आ, पेपर के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या पेपर मीडियम ऑफ पेपर के जेबीटी के पेपर्स उर्दू और इंग्लिश दोनों वर्जन में होंगी जेबीटी के लिए ग्रेड कच्ची से लेके सिक्स तक ये बुक्स हैं जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं या आपको ऑनलाइन वेबसाइट से भी मिल सकती हैं या हम अपने वेबसाइट पर गूगल ड्राइव में अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे इंग्लिश बिगिनर्स Uh, जो कि बहुत ही बिगिनर है इंग्लिश ग्रेड वन और इसी तरह ग्रेड टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स के बुक्स हैं इसी तरह हमारे पास जो मैथ्स के बुक्स हैं मैथ वन इसी तरह मैथ टू थ्री फोर फाइव और सिक्स के मैथ के बुक्स हैं हमारे पास जनरल साइंस के भी फोर टू सिक्स है जनरल uh, साइंस के बुक्स तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे जनरल नॉलेज जो जेविटी के लिए है वो मालूमत आमा ग्रेड वन से लेके ग्रेड सिक्स तक तमाम मालूमत आमा आपसे पूछी जा सकती हैं। इसी तरह जनरल नॉलेज के माशरतीलूम का बुक होगा सोशल स्टडीज होंगी जियोग्राफी होगा या हिस्ट्री होगा इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुरान फिर हमारे पास सेवनथ कैटेगरी है ये बेसिकली सब्जेक्टिव जो इसका पार्ट है वो सिक्सटी परसेंट इसका वेटेज है इसमें अरबिक रीडिंग एंड कम्प्रिहशन होंगी बेसिक इस्लामिक इंफॉर्मेशन जिसमें इस्लामिक बिलीफ पिलर्स ऑफ इस्लाम नबी रिलीजस एंड सोशल एथिक्स ये तमाम चीज़ें होंगी जो कि ग्रेड एट्थ यानी कच्ची से लेके ग्रेड एट तक जो वो जो भी पढ़ रहे हैं उन तमाम चीज़ों में से इनका पेपर बन सकता है जो कि नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान और नेशनल करिकुलम 2006 हज़ार छः बलुस्तान टेक्सट बुक बोर्ड के बुक्स में से जो भी बुनियादी इंफॉर्मेशन वो मौजूद होंगी या उनके आयात होंगे उनके तर्जमे हो सकते हैं ट्रांसलेशन इसी तरह बेसिक इस्लामिक इंफॉर्मेशन जो भी होगा वो इसी सब्जेक्ट पोर्शन में सिक्सटी परसेंट ये कवर करेगा इसके साथ साथ जनरल नॉलेज बिल्कुल जेवीटी की तरह यहाँ पर भी इस्लामियात सोशल स्टडीज और हिस्ट्री एंड जियोग्राफी होगी ग्रेड्स क्लास सिक्स टू क्लास एट नेशनल करिकुलम ऑफ 2006 जो कि बलुस्तान टेक्सट बुक बोर्ड के बुक्स हैं पेडागोजी यहाँ पर क्लासरूम मैनेजमेंट जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग और असेसमेंट्स ये भी पी टी सी ए टी टी सी एक डिप्लोमा है उनका उनसे और ए डी इनके बुनियादी क्लासरूम मैनेजमेंट के कोश्चन्स इन्हीं से होंगी आ, इनके कुछ ये बुक्स हैं जो कि ऑलरेडी नेशनल करिकुलम के बुक्स का हिस्सा है लगत अरबिया ये बरा जमात हजतम ये बुक्स हैं इस्लामियात के बुक्स में से ट्रांसलेशन हो सकती हैं शशम हफ्तम हजतम तो ये तमाम हमारे पास क्लास सिक्स टू एट्थ में जितना भी इस्लामियात का इंफॉर्मेसन है या उसका उसके जो आ, आ, जितने भी लेसनस हैं और इसी तरह लगातुलबिया में जितने भी ट्रांसलेशन हैं कुरानी आयात हैं वो तमाम इनमें से डिस्कस किया जा सकता है इसी तरह जनरल नॉलेज उसी तरह क्लास सिक्स टू एट माशर्तीलूम सोशल स्टडीज़ ज्योग्राफी और हिस्ट्री इनके बुक्स में से लिया जाएगा इसके बाद फिर हमारे पास एट्थ कैटेगरी है जूनियर अरबिक टीचर जूनियर अरबिक टीचर इनके सब्जेक्टिव पोर्शन में से अरबिक ग्रामर और अरबिक लैंग्वेज

क्योंकि इस्लामिक बिलीफ पिलर ऑफ इस्लाम सीरतुलनबवी रिलीजियस एंड सोशल एथिक्स अरबिक ग्रामर वगैरह वगैरह पैडागोजी इसमें फिर अरबिक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है ए टी टी सी इसमें से जो पैडागोजी के कोश्चन्स हैं जो कि आलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से ये ट्रेनिंग कोर्स होता है जिन लोगों ने ये कोर्स किया होता है वो तो ऑलरेडी इनको पता है जिनको नहीं पता वो ए टी टी सी का सिलेबस डाउनलोड करके एक दफ़ा चेक कर लें कि वो पेडागोजी में इन एरियाज़ में से कहाँ से टेस्ट किए जा सकते हैं टीचिंग मेथड्स भी एक एरिया है जिनमें जो सी और बी एड की बुनियाद पर जो सिलेबस है उन्हीं में से पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे और बुक्स तकरीबन वही हैं जिस तरह हमने एम क्यू में किया, क्लास टू एथ इस्लामिया अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड सिलेबस uh, 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 वो तमाम कैटेगरीज में जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स uh, के लिए तो मैथमेटिक्स uh, की जब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स uh, के डिटेल्ड सिलेबस में हम ये देखेंगे कि मैथ के डिटेल्ड सिलेबस में वो क्या क्या इंक्लूड है uh, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है आप लोगों के लिए हाईलाइटेड लाइटेड रीजन आर कि वो तमाम टॉपिक्स जो इन तमाम बुक्स में मौजूद हैं लेकिन वो कॉमन टॉपिक्स हैं मिसाल के तौर तो पर डेसीमल्स से रिलेटेड क्वेश्चन सेवेंथ क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ इन तमाम क्लासेस में डेसीमल्स से रिलेटेड क्वेश्चन मौजूद हैं या उनके चैप्टर्स मौजूद हैं तो इन क्लासेस से ये वाले तमाम एरियाज टेस्ट किए जा सकते हैं इसके अलावा ऊपर जब हम देखेंगे अलजब्रिक एक्सप्रेशन एरिया एंड वॉल्यूम्स डिब्लियोग्राफी में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आपने वहाँ पर भी फॉर एग्ज़ाम्पल सरक्रेंस क्या है एरिया क्या है वॉल्यूम क्या है वगैरह वगैरह और इसी तरह सरकमफ्रेंस एरिया एंड वॉल्यूम में आपसे क्वेश्चन भी की जा सकती हैं उसके बाद फिर हमारे पास जो ज़्यादा चीज़ें डिस्कस्ड हैं वो डिस्टेंस टाइम एंड टेम्परेचर के हवाले से क्वेश्चन हो सकती हैं, एक्सपोनेंट्स पर क्वेश्चन हो सकती हैं, इन के वाले से किए जा सकते हैं। ये फिर आप देख सकते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ये क्लास सिक्स और फोर्थ में कॉमन चैप्टर हैं तो इन में से किसी भी चैप्टर में से आपको टेस्ट किया जा सकता है फाइनेंशियल एरेथमेटिक्स में से क्वेश्चन हो सकती है जो six, seven, eight, सब डिस्कस की गई हैं फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास थ्री फोर फाइव तमाम क्लासेज में ये चैप्टर्स इनके मौजूद हैं तो लिहाजा फ्रैक्शन भी आ सकती हैं फंडामेंटल ऑफ जियोमेट्री पर आपके क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि सेवन एट थ्री फोर फाइव सिक्स तमाम क्लासेज में जियोमेट्री ऑलरेडी उनके चैप्टर्स मौजूद हैं इन्हीं बुक्स में से आपका एग्जाम बनना है तो जियोमेट्री बेसिक uh, और एडवांस्ड uh, किसी भी इन बुक्स में से ही आपसे जियोमेट्री के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बाद आ, क्लास फिफ्थ में आप देख सकते हैं एच सी एफ़ और एल सी एम हैं जो कि डिस्कस की गई हैं ये इनके क्वेश्चन मुतवे हैं इंफॉमेशन हैंडलिंग जो कि तकरीबन आपको थ्री एट्थ सेवन सिक्स फिफ्थ फोर्थ इन तमाम आ, जो चैप्टर्स हैं इन तमाम क्लासेस के इन तमाम ग्रेड्स के मुख्तलिफ चैप्टर्स इन ही इंफॉमेशन पर मुश्तमिल है तो ये इंफॉर्मेशन भी एक इंफॉमेशन हैंडलिंग या डेटा इंटरप्रटेशन ये सब एक इम्पॉर्टेंट कॉमन टॉपिक uh, है जो कि इन तमाम बुक्स में डिस्कस किया गया है तो इन्हीं में से आपके मैथ के क्वेश्चन बन सकते हैं इंटीजर्स एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर uh, है जिनमें क्लास सिक्स में से ये लिया गया है इंट्रोडक्शन टू अल्जेब्रा आप देख सकते हैं लिनियर इक्वेजन हैं जो कि कॉमन है क्लास सेवंथ और सिक्स में ट्रिग्नोमेट्री क्लास एट्थ में मौजूद है ट्रिग्नोमेट्री में आपसे क्वेश्चन हो सकती हैं मायरमेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जनरल लाइफ जनरल एप्टीट्यूड ग्रेड फोर्टीन के लिए आपने अप्लाई किया है आपकी ग्रेजुएशन है तो ये आपको लेंथ मास एसेट्रा टाइम वगैरह वगैरह में मायरमेंट्स के क्वेश्चन किए जा सकते हैं नंबर सिस्टम्स या एरिथमेटिक ऑपरेशन बहुत कॉमन क्वेश्चन हैं ये क्लास एट्थ फोर्थ फिफ्थ थर्ड इन सब में डिस्कस किए गए हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पैरामीटर और एरिया जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया इनके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं पोलिनोमियल्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हो सकता है ये हमने वो कॉमन टॉपिक्स उठाए हुए हैं जो कि इन तमाम क्लासेज में कॉमन है तो इन्हीं में से आपके आ, टेस्ट होंगे प्रैक्टिकल जियोमेट्री होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस होंगे

ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अलावा भी इन जितने भी बुक्स हमने डिस्कस किए या जिस कैटेगरी के लिए जिन ग्रेड्स में रिक्वायर्ड है कहीं से भी वो क्वेश्चन हो सकती हैं वैल्यूज चेंज हो सकती हैं क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर बुक वाला होगा लेकिन वैल्यूज चेंज हो सकती हैं तो मेंटली भी प्रिपेयर्ड इसके साथ साथ जो चैप्टर्स हैं या जो बुक्स हैं वो हमारे पास क्लास थ्री से क्लास एट तक ये वाले वो बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है अब हम आते हैं इंग्लिश डिटेल्ड सिलेबस पर इंग्लिश के डिटेल्ड सिलेबस में आप जैसे कि देख सकते हैं अगर आपके पास इंग्लिश के बुक्स हैं तो आप चेक कर लें कि इन बुक्स में आपके पास ये यूनिट्स हैं उनके क्लास थ्री के यूनिट्स हैं क्लास फोर के यूनिट्स हैं इसी तरह क्लास फिफ्थ के तमाम यूनिट्स हैं क्लास सिक्स के यूनिट्स हैं क्लास सेवेंथ और एट्थ के यूनिट्स हैं इन यूनिट्स के ये तो उनके बेसिक लेसन हैं जो भी टेबल्स यहाँ पे हमने दिए हैं पेज नंबर्स के साथ क्लास फोर की अगर हम बात करेंगे क्लास फोर के बुक के यूनिट्स के लास्ट में आपको जो ग्रामर का सेक्शन मिलेगा वो

Uh, में आपसे क्वेश्चंस uh, हो सकती हैं यूज ऑफ दिस दैट दीस एंड दोज सिंपल पास्ट टेंस पंकचुएशन पर आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं जॉइनिंग ऑफ द वर्ड्स पे आपसे क्वेश्चन हो सकती हैं अह uh, इसी तरह ग्रामर के फोर्थ ये सिर्फ एक फोर्थ के बुक का, के ग्रामर का ए, एरिया है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पॉजिटिव प्रोनाउंस यूज ऑफ एपोस्ट्रोफिस पूछे जा सकती हैं कंट्रक्शंस पूछी जा सकती हैं रिकोगशन ऑफ द वर्ड्स या नाउन या वर्ब या प्रोवर्ब या एडजेक्टिव किया जा सकता है पॉजिटिव प्रोनाउंस पर क्वेश्चन हो सकती हैं यानी तकरीबन काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउ्स सिंपल फ्यूचर टेंसिस कलेक्टिव नाउंस चेंज पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ अ वर्ड यानी पार्ट ऑफ द स्पीच हो सकती हैं इसके साथ साथ डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स कॉमन एंड प्रॉपर नाउ्स पे बात हो सकती है रेगुलर एंड इरेगुलर नाउंस नंबर जेंडर ऑफ नाउंस प्रो नाउम्स इसी तरह काउंटेबल्स कलेक्टिव नाउम्स रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स वो तमाम चीज़ें जो इन बुक्स में डिस्कस हैं ये क्लास फिफ्थ के ग्रामर के बुक्स हैं थोड़े से फोर्थ से एडवास्ड हैं एडवर्ब्स पर डिस्कशन होंगी ये ऑक्जिलरी वर्ब्स या मॉडल ऑक्जलरी वर्ब्स जितने भी वर्ब हैं वो हैं उनमें से क्वेश्चन हो सकती हैं आ, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लूरल ऑफ एंड रेगुलर वर्ब्स हैं सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग पर बात होगी कि कितने टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं सेंटेंस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर कम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस पूछा जा सकता है कॉलन का यूज कैसे किया जाए इसी तरह फिर लिंकिंग वर्ब्स हो सकती हैं डेफिनेट और इन आर्टिकल्स पंक्चुएशन पे आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं uh, फिर टेंसिस तो जैसे नॉर्मल क्वेश्चन तमाम पेपर में हो सकती हैं कंडीशनल सेंटेंसिस पर भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन uh, आ सकती हैं और इस तरह जो इम्पोर्टेंट uh, इनमें मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्रोनाउन एंटेसिडेंट्स जेंडर ऑफ नाउन इसी तरह कंपाउंड वर्ड्स पर क्वेश्चन हो सकती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस बिल्कुल हो सकती हैं यूज़ ऑफ टैग क्वेश्चंस होंगी नेगेटिव क्वेश्चंस इंटरोगेटिव क्वेश्चंस यूज ऑफ एडवर्ब्स यानी ये तमाम वो एरियाज हैं जो कि आपके बुक्स में से जो आपके बुक्स में ये डिस्कस की हैं उन सब एरियाज में से आपको टेस्ट किया जा सकता है ये वो बुक्स हैं इंग्लिश के क्लास थ्री टू क्लास एट्थ जिनके लास्ट में आप चेक कर सकते हैं कि वो तमाम कॉन्टेंट्स और उनके ग्रामर के एरियाज भी इसी तरह बिल्कुल इस तरह लिखे गए हैं कि वो कैबलरी आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि हर बुक में वो कैबलरीज भी मौजूद हैं तो आपके अपटीच्यूड के बुनियाद पर भी जनरल वो आ सकती है या आपके आपकेसन के दरम्यान में से भी वो कैब्स आ सकती हैं इसके बाद फिर हम जनरल साइंस को डिस्कस करते हैं जनरल साइंस हमारे पास आ, क्लास फोर के अगर हम जनरल साइंस की बात करेंगे तो उसके ये चैप्टर्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ मैटर करेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफर अब आप खुद देख सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर पर मैटर और इस के करेक्टरिस्टिक्स पर ह्यूमन हेल्थ पर एकोसिस्टम पर और लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर अर्थ एंड इट्स पर डिस्कशन हो सकती है क्वेश्चन आ सकती है फोर्स एंड मोशन पर क्वेश्चन आ सकती है अर्थ्स वेदर एंड इट्स क्लाइमेट एटमोसफेयर क्या है इसके कितने लेयर्स हैं वगैरह वगैरह सोलर सिस्टम पर बात हो सकती है हमारे जमीन पर बात हो सकती है इसके कितने लेयर्स हैं क्रस्ट क्या है लिथोस्फीयर क्या है इसके नीचे फिर क्या है कोर क्या है उसमें क्या-क्या मिनरल्स हैं जो भी इन बुक्स में डिस्कस की गई है वो सब के सब इस पार्ट ऑफ द साइंस पेपर हो सकता है टेक्नोलॉजी डेली लाइफ में क्या किरदार अदा करती है ग्लॉसरी के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जनरल डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं क्लास uh, 5th में आपके पास जो टाइटल है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स मबक लिविंग थिंग्स के हवाले से आप uh, किंगडम्स uh, के बारे में पूछा जा सकता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पूछा जा सकता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पूछा जा सकता है इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक चैप्टर है इसके हवाले से पूछा जा सकता है कि प्रोकेरियाड्स यूकेरआट्स में डिफरेंस क्या है एडवांटेजेस ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है डिसएडवांटेजेस क्या है इन्फेक्शन किस चीज़ को कहते हैं इंट्रेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी कैसे होती है इन्फेक्शन uh, को कैसे अवॉइड किया जा सकता है और वगैरह वगैरह ये क्लास फिफ्थ के तमाम जितने भी चैप्टर्स हैं आप देख सकते हैं मेज सी है, है, है ये हैं. Pollution, फिर pollution पे आ जाएं तो पॉल्यूशन के तमाम हैं पॉल्यूशन के हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन या इसके मैयर कैसे लिए जा सकते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या हैं यानी वो तमाम टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज पार्ट ऑफ योर साइंस पेपर

इन प्लांट्स कैसे होती है इनवायरमेंट एंड इंटरेक्शन उसके साथ कैसा है एटम्स मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स इन पर टॉपिक जो डिटेल्ड सिलेबस में आप देखेंगे वो तमाम चीजें डिस्कस्ड होंगी एयर इसका कंपोजिशन वगैरह वगैरह सोलशनशन अर्थ वेदर एंड इट्स क्लाइमेट सोलर सिस्टम ये तमाम चीजें हैं आ, ये उर्दू में क्लास सिक्स की फहरस्त है जितने भी उसके कोशन हैं ये जो सिलेबस है एनर्जी की अकसाम एंड मशीनें रोशनी की खसूसियात जो लोग उर्दू में पढ़ रहे हैं और इस क्लास सेवन्थ में हमारे पास ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है इस पर आप डाइजेस्टिव सिस्टम इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीथिंग और डिजीज ऑफ रेस्परेटरी सिस्टम ये तमाम इस बुक में डिस्कस की गई हैं तो आपको एक्सपेक्टेशन आपकी होनी चाहिए कि इन बुक्स में इन डिफरेंट टॉपिक्स में आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं आ, वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को कौन से क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स ये फिर ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस है ब्लड वेसल्स के बारे में क्वेश्चन होंगी डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एस्तमा डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर के जो जितने भी मायामेंट्स हैं ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू या ऑर्गन्स ऑर्गन ऑफ वाटर थ्रू रूट्स एंड यू नो स्ट्रक्चर ऑफ रूट स्टेम एंड लिव एवरी फिर हमारे पास रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है इसी तरह फीडिंग रिलेशनशिप्स हैं और आगे जाएंगे तो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारे पास केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ट्रांसमिशन ऑफ हीट यानी कंडक्शन क्या है कन्वेक्शन क्या है और एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करेंट्स क्या है और रेडिएशन क्या है ये तमाम चीजें डिस्कस हो सकती हैं इसके अलावा डिस्पर्जन ऑफ लाइट साउंड वेव्स और सर्किट्स एंड करंट्स ये तमाम चैप्टर्स हैं बिल्कुल इसी तरह हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट्स इन्वेस्टिगेटिंग द स्पेस और स्पेस कैसा है वगैरह क्लास एट्थ में फिर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम है यहाँ पर फिर नव सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया गया है तो यहाँ से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं रिफ्लेक्स सेक्शंस क्या है एक्सक्रीशन कैसे किया जा सकता है दिस इज एक्सक्रीशन इनफैक्ट मैल फंक्शनिंग ऑफ़ किडनीज़ क्या है हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म सेल डिवीज़न कैसे होगा हेरिडिटी डिस्कशंस हो सकती है डी एन एप्लीकेशन एटसट्रा जेनेटिक मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये तमाम क्वेश्चन क्लास एट्थ में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सोर्सेज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पॉलिट्रेंट इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन सेविंग से अर्थ केमिकल रिएक्शन पे डिस्कशन हो सकती है ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और इसी तरह एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस एसिड्स एंड सॉल्ट्स इन रियक्शन हो सकती हैं पी और इसके रेंज इन सोलूशन इंडिकेटर्स पे बात हो सकती है फोर्स एंड प्रेशर है दिस इज फोर्स इन फैक्ट ए बुक में मिस्टेक हो चुकी है तो दिस इज फोर्स एंड प्रेशर प्रेशर फोर्स इन एरिया वाटर प्रेशर पैसकुल गैस प्रेशर इन अ क्लोज कंटेनर प्रेशर ये वो तमाम चीजें हैं लेंजेस पे बात हो सकती है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिसिटी इन एक्शन जनरेट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लोरिंग स्पेस वगैरह वगैरह ये जनरल साइंस के बुक्स हैं आ, क्लास फोर से लेके क्लास नाइन तक ये जनरल साइंस का ये नाइन्थ और टेंथ का बुक है कम्बाइंड जो कि आर्ट्स और साइंस दोनों के जिन लोगों ने मैट्रिक आर्ट्स और साइंस में किया है जिन्होंने आर्ट्स में किया है वो भी ये बुक पढ़ेंगे जिन्होंने साइंस किया है वो भी ये बुक पढ़ेंगे और इससे नीचे एट तक जितने भी साइंस के एरियाज डिस्कस्ड थे हमने डिस्कस किया पेडागोजी में हमारे पास जो सिलेबस होगा वो एक डिटेल्ड सिलेबस है और हर जॉब के लिए आपको स्पेसिफिक सिलेबस भी दिया गया था तो जनरल जो पेडागोजी का सिलेबस है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट है डेवलपमेंट ऑफ क्लास है असमेंट ऑफ द क्लास मैनेजमेंट कंपेरेटिव एजुकेशन आ, कंप्यूटर लिटरेसी ये अलग अलग हो चुका है कंप्यूटर लिटरेसी कंटेम्प्रेरी इशूज एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजीज इन एजुकेशन मैथड्स ऑफ टीचिंग रिसर्च मैथड्स इन एजुकेशन रिसर्च प्रोजेक्ट्स स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर स्कूल मैनेजमेंट इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो क्लासरूम uh, मैनेजमेंट है स्कूल मैनेजमेंट है और स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर के हवाले से ज्यादा डिस्कशन होती हैं एजुकेशन मैथड ऑफ टीचिंग रिसर्च uh, के वाले से इतने ज्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा कि होने चाहिए कि क्लास टेंथ तक ये तमाम है तो टीचिंग लिटरेसी, टीचिंग सोशल सोशल स्टडीज, स्टडीज टीचिंग टू इसी तरह टेस्ट डेवलपमेंट एंड एवेल ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज इन इस्लाम फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इस्लाम ये पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं होगा बहरहाल आपको अपने मुतल जि, जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया और जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि अरबिक टीचर में एटीटीसी की बुनियादों पर और इसी तरह कुरान के उन बुनियादों पर और इसी तरह पीईटी के फिर अपने पेडागोजिकल एरियाज़ हैं उनमें टेस्ट किया जाएगा और जाहिर सी बात है हमारे पास एग्जानो में का एक एरिया था जो हमने देखा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लूम्स टोमी एक एरिया है जिसमें वो डिस्कशंस होंगी आ, ये था आपके पास टोटल सिलेबस और जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किया अब हम लास्टली uh, ये देखेंगे कि पेपर पैटर्न एंड एग्ज़ामिनेशन uh, कैसे होगा तो uh, पेपर पैटर्न तो जैसे कि आपको पता है स्टार्ट में हमने कहा कि एम सी क्यूज बेस्ड टेस्ट होगा तो लिहाजा ये एस पी के का एक मॉडल आंसर शीट है जिसमें आपके एक से लेके सौ uh, तक टोटल हंड्रेड क्वेश्चन होंगी और आपको क्वेश्चन के लिए एक बुकलेट दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर जिसमें आपने क्वेश्चन रीड करके उस क्वेश्चन पेपर के नीचे क्वेश्चन के नीचे चार ऑप्शंस होंगी ए बी सी डी उनमें से एक ही करेक्ट होगा तो वो एक करेक्ट आंसर आपने यहाँ पर फिल कर लेना है चाहे वो ए या बी या सी या डी उनमें से जो भी करेक्ट है आप उसको फिल करेंगे याद ये रखिएगा कि एक से ज़्यादा ऑप्शन पर क्लिक करने से या एक से ज़्यादा ब्लॉक्स फ़िल करने से आपके क्वेश्चन रॉन्ग कंसिडर किए जाएंगे। तो एहतियात से आपने ये क्वेश्चन पढ़ कर वहाँ पर क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर वो मुतलक ऑप्शन फिल कर देना है इसी तरह एक से लेकर सौ तक जब जितने भी टोटल क्वेश्चन हैं एम सी क्यूज़ बेस्ड उनमें से एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट अगर जिसने स्कोर किया तो वो पासिंग मार्क्स होंगे फर्दर ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बलुचि की पॉलिसीज़ अगर वो चेंज कर रहे हैं तो वो तो एक अलग आ, स्टोरी होगी रोल नंबर यहाँ पर इस पेपर में रोल नंबर का खाना होगा जो कि या तो आप खुद फिल करेंगे या ऑलरेडी फिल्ड आपको दे दिया जाएगा आ, ये आपका पेपर कोड जो कि आपके पास होगा तो आप वो पेपर कोड भी फिल करेंगे और आपको हमारा जो एग्जामिनेशन स्टाफ है वो भी समझा सकेंगे तो this was all about uh, um, the exam schedule, the exam syllabus, the paper pattern, the medium of instruction. Uh, thank you for watching our video and uh, keep visiting our website. Uh, subscribe our channel that is uh, youtube channel edurecruit uh, pk 2023 or uh, any further updates. Uh, thank you. thank you so very much.